हे गाइस, जब भी आप लोग मार्केट जाते होगे मोबाइल लेने, मतलब मोबाइल से या फिर कुछ भी आप मॉनिटर या लैपटॉप कुछ भी लेते होगे जिसमें स्क्रीन होती है, तो नॉर्मली आपको दो स्पेसिफिकेशन ज़्यादा मतलब हाईलाइट करके दिखाया जाता है। पहला कि आपका रेजोल्यूशन की HD है, फुल HD है, 4K, 2K इस तरीके से, और दूसरा होता है एस्पेक्ट रेशियो। तो अगर आपसे पूछा जाए या किसी से भी पूछा जाए तो लोगों को पता है कि ये सब क्या है, लेकिन अगर इसके कुछ डिटेल की बात करें कि क्या होने चाहिए, क्या फ़ायदा इनसे, फ़ायदा क्या होता है आखिरकार, 4K 2K में अंतर क्या है, या एस्पेक्ट रेशियो और रिजोल्यूशन क्या एक ही चीज़ होती है या फिर ये दोनों डिफरेंस होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही दोनों कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में कितने सारे कन्फ्यूजन, वो सारे हम दूर करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को बस पूरा देखते रहिए, आपको सारा इन दोनों का खेल जो है, जो कि कंपनियाँ दिखाती है, वो सारा आज आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजोल्यूशन की। तो जैसा कि आप लोग कोई भी जैसा कि स्क्रीन वाली डिवाइस लेते होंगे, तो आपको जैसे HD है, फुल HD है, या 2K है, या 4K है, इस तरीके से आपको दिखता होगा। जैसे HD होता है तो 480p x 720 या 640 इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, या फिर अगर आप HD लेते हो तो 720x1280, या फिर फुल HD लेते हो तो 1080p x 920 इस तरीके से, या फिर 2K लेते हो तो वो HD का दुगना हो जाता है, या फिर 4K लेते हो तो फुल HD का दुगना हो जाता है। तो इस तरीके से आपको रिजोल्यूशन देखने का मिलता है। आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो मैं फुल HD को एग्जांपल के लेकर समझाता हूँ कि फुल HD में क्या होता है। 1080p x 920 होता है, मतलब 1080x1920 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इधर एक मोबाइल का स्क्रीन है, ठीक, और इधर एक TV का स्क्रीन है, मान लेते हैं लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मोबाइल में जब पोर्ट्रेट है तो 1920x1080 का मतलब हुआ कि लंबाई में 1920 पिक्सल होंगे और 1080 पिक्सल चौड़ाई में होंगे। इस तरीके से 1080x1080 ऐसे पिक्सल की लाइन लगी होगी, और 1920 की ऐसे ऐसे लाइन लगी होगी मोबाइल में, और उसी तरीके से TV में इस तरीके से होगी। तो इस तरीके से जो होगी 1080 की होगी, इधर से होगी जो इस तरीके से 1920 की होगी। तो इस तरीके से पिक्सल लगे होते हैं। पिक्सल क्या होता है कि बल्ब होते हैं, समझ लो कि जो हमारी स्क्रीन होती है उसमें बहुत छोटे छोटे बल्ब होते हैं। 1920 इस तरीके से 1080 इस तरीके से, ठीक। तो ये बल्ब लगे होते हैं, हर एक बल्ब 3 कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यही तीनों कलर अपने मिक्स करके कोई भी कलर का निर्माण करते हैं, तो ये हमें कुछ भी कंटेंट दिखा पाते हैं। तो ये आपने समझे कि इस तरीके से अरेंजमेंट होता है पिक्सल का। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1920x1080 को, तो 2 मिलियन पिक्सल लगभग आएगा आपको। मतलब 2 मिलियन, अगर एक फुल HD का स्क्रीन है तो उसमें 2 मिलियन, मतलब 2,000,000 बल्ब लगे हैं जो कि आपके स्क्रीन में वो लगे हुए हैं बल्ब, जो कि आप जब भी स्क्रीन ओपन करते हो तो वो सारे काम करने लगते। तो कितनी कमाल की बात है, 2 मिलियन बल्ब लगे हैं आपके स्क्रीन में। सोच रहे, अब बात करते हैं, अब मानकर चलो इसमें भी 2 मिलियन पिक्सल है, इसमें भी 2 मिलियन पिक्सल है, लेकिन अगर मानकर चलो मोबाइल 5-6 इंच का है, और TV तो 5-6 इंच का होता नहीं, 32 इंच, 42-43 इंच, और अगर ये फुल HD है तो इसमें जो पिक्सल है 2 ही मिलियन पिक्सल है, और ये आपका स्क्रीन इसमें भी 2 ही मिलियन पिक्सल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पिक्सल बहुत पास है, बहुत अच्छा से अरेंजमेंट किया हुआ, इसमें दूर दूर है। तो अगर PPI की बात करते हैं, अगर आप PPI की बात जानते हो तो पिक्सल पर इंच, मतलब 1 इंच में कितने पिक्सल आएंगे। तो इसमें दूर दूर है TV में, तो इसमें 1 इंच में बहुत कम पिक्सल आ पाएंगे, मान चलो 150-200 इस तरीके से, 250। और अगर मोबाइल की बात करें तो उसमें 1 इंच में अगर पिक्सल की संख्या देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएंगे, 400, 500, 300, 350। अगर 300 से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन आजकल के फ़ोन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आजकल के फ़ोन में 2K क्वाड HD तक के डिस्प्ले आ रहे हैं छोटे से स्क्रीन में, इसलिए। तो अब बात करें कि अच्छा कौन सा होता है, तो देखिए मोबाइल कितना भी छोटा होता है, मतलब छोटा ही होता है 6 इंच का, तो उसमें HD फुल HD से काम चल जाता है, क्योंकि छोटे स्क्रीन में ज़्यादा पिक्सल मिल जाते हैं। लेकिन आप अगर TV पर ध्यान दीजिए कि वो 4K 8K ज़्यादातर आज प्रेफरेंस किया जाता है, क्योंकि वो बड़ा स्क्रीन है, उसमें ज़्यादा पिक्सल चाहिए अगर साफ साफ देखना चाहिए, क्योंकि आप देखते हो मोबाइल ज़्यादा साफ दिखता है TV की अपेक्षा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पिक्सल है। लेकिन TV के अगर साफ देखना है तो TV को आपको 4K या 8K लेना पड़ेगा। अगर आप फुल HD या HD लोगे तो बिल्कुल भद्दी तरीके, बिल्कुल डिटेल नहीं दिखेगा। अगर पास जाकर देखोगे तो जो बल्ब लगे होते वही आपको दिखने लगेगा। इसलिए अगर आप बड़ी स्क्रीन ले रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो रिजोल्यूशन हो वो ज़्यादा हो, और छोटी स्क्रीन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे आप आजकल के मोबाइल देखो, कुछ कुछ HD में भी आ जाते हैं जो 10,000 के नीचे आते हैं, और उसके ऊपर फुल HD, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन TV में आपको मेक श्योर करना है कि आपको पिक्सल ज़्यादा मिलने के लिए रिजोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, जैसे 2K 4K 8K इस तरीके से। तो आपने रिजोल्यूशन को पूरा समझ लिया कि ये क्या होता है। होता क्या है कि आपका स्क्रीन किसकी कितनी क्वालिटी है, कितना हमें साफ दिखेगा,
ये मेन होती है रिजोल्यूशन का। तो अब चलिए सीखते हैं एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो जैसा कि आपने रिजोल्यूशन के बारे में सीखा कि पिक्सल का अरेंजमेंट होता है, तो एस्पेक्ट रेशियो जैसे आपने सुना होगा एस्पेक्ट रेशियो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, 18 एस्पेक्ट रेशियो 9 या 90 एस्पेक्ट रेशियो मतलब 9 इस तरीके से। तो अभी चल रहा है 20 एस्पेक्ट रेशियो 9, तो होता क्या है, मानकर चलो 16 एस्पेक्ट रेशियो 9 है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मोबाइल का स्क्रीन 60 एस्पेक्ट रेशियो 9 का है तो 16 खंड ऐसे होंगे लंबाई और 9 खंड ऐसे होंगे, लेकिन अगर 18 एस्पेक्ट रेशियो 9 है तो लंबाई को 16 था तो 2 और बढ़ा दिया, मतलब लंबाई और ज़्यादा कर दिया स्क्रीन की, चौड़ाई उतना ही रहने दिया। तो क्या होता है कि पहले के फ़ोन में क्या नॉच नहीं होते थे, ऊपर बेजल होते थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन आजकल के फ़ोन उसी साइज में ज़्यादा बड़े स्क्रीन आ रहे हैं। तो वो उसका कारण यही है कि वो जो पहले बेजल होते थे उसको हटा के स्क्रीन को मतलब लंबाई बढ़ा दिया, चौड़ाई रहने दिया। तो हाथ में आपको जब हैंड फील उतना ही अच्छा आता है, बस लंबा थोड़ा सा फ़ोन हो जाता है या फिर उतना ही रहता है, क्योंकि पहले बेजल होते थे, आप बेजल की जगह पर स्क्रीन आ गया, या अगर थोड़ा और बढ़ाना तो थोड़ा और बढ़ा दिया। तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन के साइज बहुत बढ़ गया है और हैंड में जो फील होता है वो ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो 16 एस्पेक्ट रेशियो 9 होता था पहले, आज भी वही है 20 एस्पेक्ट रेशियो 9 या 21 एस्पेक्ट रेशियो 9 जो कि सोनी ने कुछ दिन पहले निकाला था, वो सारा पूरा लंबा सा था, बिल्कुल सिनेमेटिक टाइप का लगता था, तो वो ज़्यादा ही लंबा हो गया था 21 एस्पेक्ट रेशियो 9। तो आगे और भी अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो निकाले जा सकते हैं, या फिर बहुत सारे एस्पेक्ट रेशियो होते हैं जो कि अलग पर्पस के लिए अलग होता है, लेकिन ये सारे जो हम आज बात कर रहे रिजोल्यूशन या एस्पेक्ट रेशियो, ये सब कमर्शियली ज़्यादा या फेमस हैं। तो अब एस्पेक्ट रेशियो को आपने समझ लिया, और इसी का एक कारण है एस्पेक्ट रेशियो का कि आपका जो टेबलेट होता है वो 7 इंच का होता है और आप एक हाथ से उसको पकड़ नहीं पाते हो क्योंकि वो बहुत चौड़ा होता है। तो उसका यही है कि उसका एस्पेक्ट रेशियो अलग होता है, उसका एस्पेक्ट रेशियो 4:3 होता है, मतलब 4 ऐसे है तो 3 ऐसे होगा, तो लगभग देख रहे हो जितना ही है उतना ही है, तो बिल्कुल बड़ा लग जाता है। लेकिन मोबाइल की बात ऐसी नहीं होती, उसमें लंबाई ज़्यादा रखी जाती है और चौड़ाई कम रखी जाती है, तो इसमें 7 इंच भी हो जाए 8 इंच भी हो जाए तो आपको एक ही हाथ में आ जाएगा, भले लंबा ज़्यादा दिखेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप हाथ में सही से पकड़ के बातें उतें कर सकते हो। तो ये था एस्पेक्ट रेशियो और रिजोल्यूशन के बीच का डिफरेंस। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।